हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम पहुंच चुके हैं गैंगटोक, रात के 8 बज चुके थे बागडोगरा से गैंगटोक आते हुए। तो यहाँ मेरे बर्थडे का हम केक कट कर रहे हैं। मम्मी थक गए थे, मम्मी की कमर में दर्द हो गया तो मम्मी रेस्ट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं वीडियो शूट और मैं और मनु कर रहे हैं केक कटिंग। तो रात को केक कटिंग करने के बाद सब थक गए थे तो सब अपने अपने रूम में जाके सो गए थे। तो अब हम सुबह उठे थे 8 बजे, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग थी ब्रेकफास्ट की वो 9 बजे तक थी। तो हम 8 बजे उठ के आ गए नीचे। तो गुनीत कर रही है यहाँ पे वीडियो शूट, मैं मानू को लेके बैठी हुई और हम वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी। बस अब जल्दी से ब्रेकफास्ट आ जाए, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। फिर उसके बाद हम निकल लेंगे लंचों के लिए। वहाँ पर हम देखेंगे मंथन वैली। यहाँ हम सब वेट कर रहे हैं कैब का। अब गाड़ी आने में टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट। तब तक के लिए हम छोटा सा वीडियो शूट कर रहे थे। हम इतनी हाइक पे थे ना, इतने इन्जॉय कर रहे थे और इतनी ठंड लग रही थी। हमने यहाँ से कैब परचेज की। हम इतनी हाइट पे आ चुके थे कि क्लाउड हमें टच कर रहे थे, इतना इन्जॉय कर रहे थे हम सब, और साथ ही साथ सबको ठंड लग रही थी। तो बीच बीच में कहीं कहीं गाड़ी रुकवा के हमने चाय पी, और वहाँ पे इतने सारे वाटरफॉल्स थे कि हमने गाड़ी रुकवाई और हम जहाँ भी हमें बड़ा वाटरफॉल मिलता हम वहीं इंजॉय करने स्टार्ट हो जाते। मेरे को तो पानी इतना ठंडा लग रहा था ना कि डर लग रहा था स्टार्टिंग में जाने में, बट फिर धीरे धीरे हम पानी में गए और हमने इतना सारा इंजॉय किया। गुनीत को तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, इसको तो बिल्कुल भी पानी चिल्ड नहीं लग रहा था, और मेरे हस्बैंड पानी उठा के मानू और मम्मी के टच करा रहे थे कि कितना ठंडा पानी है। यहाँ से एंजॉय करने के बाद हम डायरेक्ट निकले एमजी रोड के लिए, क्योंकि यमथंग वैली देखने में आने जाने में हमें 4 से 5 घंटे लग गए थे। फिर हम वापस आए एमजी रोड, क्योंकि यहाँ के हमने मोमोज़ ट्राई करने थे, क्योंकि सिक्किम के मोमोज़ बेस्ट हैं और सच में ही बेस्ट। यहाँ पे हमने एमजी रोड पे मोमोज़ ट्राई किए। किंग्स मोमोज़ करके एक शॉप थी, वहाँ पे हमने नॉन वेज और वेज मोमोज ट्राई किए, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाती। और अब हम घूम रहे हैं एमजी रोड। अच्छी थी यहाँ की मार्केट भी, हमने कुछ शॉपिंग भी की। बस एमजी रोड से शॉपिंग करने के बाद और फास्ट फूड खाने के बाद हम डायरेक्ट गए होटल और हमने किया रेस्ट। फिर हम मॉर्निंग में उठे 8 o'clock, और फिर हमारा जो प्लान था नेक्स्ट डे का वो था नाथुला पास, इंडिया चाइना बॉर्डर देखने के लिए। वहाँ पे एक हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि गुनीत को थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि नाथुला पास जो था वो थोड़ा हाइट पे था। तो वहाँ जब भी आप बच्चों के साथ जाओ तो वहाँ पे आप च्युइंग गम, चॉकलेट्स, वो पानी, ये सारी चीज़ें कैरी करके रखो।
फिर वहाँ से इंडिया चाइना का बॉर्डर देखने के बाद हम जा रहे हैं वापस होटल, क्योंकि हमें 5 से 6 घंटे लग गए थे नादुला पास जाने में, आने जाने में, और थोड़ा पहाड़ पे आने जाने में टाइम भी लगता है। बस जो सेकंड डे का प्लान था वो हमारा नादुला पास।